तो गाइस ये देखिए, ये रही मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट। फाइनली फाइनली मैंने पावर बैंक लाया, बहुत ज्यादा खुशी हूँ मैं आज। अपने पैसों से मैंने पावर बैंक ले आया। अब मैं आपको यूट्यूब पेमेंट भी दिखाता हूँ। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो गाइस आज ना मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा। आज मेरी पहली यूट्यूब पेमेंट आ चुकी है, वो भी इतने सालों बाद, 2 साल के बाद मेरी पहली पेमेंट आ चुकी है। मैं आपको बता नहीं सकता गाइज, मैंने ना डेली व्लॉग तब स्टार्ट किया है जब मेरी चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुई थी। मतलब पहले से मैं मेहनत कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए। दिन ब दिन मैंने इंप्रूवमेंट लाई अपने आप में, आप लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। गाइज ये जो मेरी यूट्यूब से पेमेंट आई ना, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से आई। आप लोगों ने अपनी फैमिली की तरह मुझे सपोर्ट किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भी भेजा, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट हो चुका, बहुत ही ज़्यादा। तो हमेशा मैं कहता हूँ आप लोग भी मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हो। मेरी वीडियो के नीचे एक हर्ट शेप्ड आइकन है जहाँ पे डॉलर का साइन भी होता है, तो वहाँ से आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हो, क्योंकि सुपर थैंक्स की वजह से ही मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट हो चुका। दिल से थैंक यू सो मच गाइज। मतलब ये थैंक यू वर्ड भी ना आप लोगों के लिए कम पड़ रहा है। तो कल शाम को मेरे को मैसेज आई कि आपकी पेमेंट पहुँच चुकी है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा खुश हुआ मैं। रात भर मैं नहीं सोया हूँ, मैं सोच रहा था कब सुबह होगी और आप सब लोगों को मैं खुशखबरी दूँ कि मेरी पहली पेमेंट आ चुकी है। तो हाँ गाइज, मैं आपको बता दूं मैंने YouTube क्यों स्टार्ट किया था। मेरा ना बचपन से सपना था गरीबों की हेल्प करना, गरीब लोगों की हेल्प करना। मैं खुद भी गरीब हूँ, अमीर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा एक सपना था कि उनकी हेल्प करूँ, ठीक है। तो ये जो YouTube पेमेंट मेरी आई है ना, इसमें से कुछ परसेंट गरीब लोगों के लिए जाएंगे। ऐसे मैं नहीं दूंगा 500 1000 रुपये, ऐसे मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगा। ये पैसे मैं सेव करूंगा, जब मुझे लगेगा कि अच्छा खासा अमाउंट सेव हो चुका है, उसके बाद मैं किसी की लाइफ बनाऊंगा, किसी को कुछ काम दूंगा। मतलब उतना बड़ा तो नहीं दे सकता, अपने औकात के हिसाब से उनको काम दूंगा। मतलब किसी की लाइफ चेंज करनी है मुझे, तो यही एक मेरा मोटिव था यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए। बाकी मेरा भी अभी यही मेरा जॉब है, यूट्यूब भी। यूट्यूब के बगैर मैं और कोई काम नहीं करता, मतलब दिनों या रात खाली यूट्यूब पे लगा रहता हूँ, ठीक है। दिन भर में व्लॉग्स बनाता हूँ और रात भर में एडिटिंग करता हूँ, सुबह 3-4 बजे तक। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की मैंने, और आप लोगों ने भी मेरी मेहनत देखी, फिर जाके आप लोगों ने सपोर्ट किया अपनी फैमिली की तरह। मतलब मैं आपका कभी नहीं भूल सकता, मेरे को ना एक एक नाम याद है जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। तो दिल से थैंक यू सो मच। फिलहाल अभी मुझे सबसे ज़्यादा नीड है वो है पावर बैंक की, ठीक है। गरीबों के लिए अलग से पैसे रखने ही है मुझे, लेकिन जो अपने लिए है ना, उसमें से मेरे को क्या करना है, पहले मैं जाता हूँ ATM, वहाँ से पैसे निकालता हूँ, उधर से मैं एक पावर बैंक लाता हूँ, ठीक है। फिर उधर से आके मैं आपको दिखाता हूँ कि पैसे कितने के आए। ओके सॉरी गाइज, मैंने आज आपको बताना भूल ही गया। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्लीज़ गाइज पूरा सपोर्ट कीजिए, मेरे ना बहुत ही ज़्यादा सपने हैं। वो सपने कैसे पूरे होंगे जब आप लोग सपोर्ट करोगे। अपनी फैमिली की तरह आज तक आप लोगों ने सपोर्ट किया, आगे भी प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा नीड है आप लोगों की सपोर्ट की। अभी ना मेरी पहली पेमेंट आई है, आगे जाके भी मेरी पेमेंट आएगी जब आप लोग सपोर्ट करोगे। प्लीज़ गाइज पूरा सपोर्ट कीजिए, यही मेरा जॉब है, यूट्यूब भी मेरा जॉब है, ठीक है। यही मेरा काम है, इसके बगैर मैं और कुछ काम नहीं करता, तो इसीलिए आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा अपनी फैमिली की तरह। तो गाइज फाइनली हो चुका हूँ मैं रेडी, अब जाते हैं डायरेक्ट घंटाघर के लिए, क्योंकि घंटाघर के पास ना एक MS स्टोर है, वहीं से हम पावर बैंक भी लाते हैं और वहीं से फिर पेमेंट भी निकालते हैं। पावर बैंक की ना मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी, क्योंकि मेरा फ़ोन ना जल्दी डाउन हो जाता है, और आपको पता ही है मैं ट्रैवल ये सब करता रहता हूँ, फिर रास्ते में मेरे को शॉप से सब ढूंढने पड़ते थे चार्ज करने के लिए। तो आज फाइनली मैं पावर बैंक ला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। तो आज फाइनली पहुँचा मैं घंटाघर के पास, ये देखिए ये रहा घंटाघर। अब ना यहाँ पे ATM ढूंढते हैं, वहाँ से पैसे निकालते हैं, फिर लाते हैं पावर बैंक। ओके हमको ना वहाँ लेफ्ट साइड से जो रोड है ना, वहीं से पावर बैंक लाना है, वहीं पर एक MI स्टोर है, देखते हैं वहीं पे जाके। ये देखो भाई लोग, फाउंटेन फाउंटेन फाउंटेन, इतना फाउंटेन दिखाया ना, इसका पानी भी कम हो चुका है, इतना दिखाया हमने फाउंटेन। हेलो ये देखिए ये रहा यहाँ पे ATM, J&K बैंक का ATM। हाँ घंटाघर के लेफ्ट साइड से यहीं से निकालते पैसे और लाते पावर बैंक। भाई लोग ये आ चुकी पेमेंट, पेमेंट पेमेंट पहले लाते हैं पावर बैंक, फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने शॉप्स पे ढूंढा था, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, वहाँ पे ना एक ऑफिशियल MI स्टोर है, वहीं पे जाके देखते हैं, ठीक है। वो खाली MI के प्रोडक्ट बेचते हैं, देखते हैं वहीं पे जाके। गाइस जो पावर बैंक में ढूंढ रहा हूँ ना, वो ना मिल ही नहीं रहा, बोल रहे ऑनलाइन लेने के लिए। 50 वाट का पावर बैंक में ढूंढ रहा हूँ MI का, लेकिन वो ना थोड़ा सा महंगा भी है। अब देखते हैं कौन सा लाए। अब मैं जा रहा हूँ जवाहर नगर, वहाँ पे भी एक MI स्टोर है, वहाँ से देखते हैं कौन सा पावर बैंक लाए। ओके तो भाई लोग फाइनली 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 मैंने पावर बैंक लाया,
चलिए आप जाते हैं घर, अब घर पे आपसे बात करते हैं, ओके? तो गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर। आज ना मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मतलब अपनी मेहनत के पैसों से मैंने आज पावर बैंक लाया, तो मतलब मेरी खुशी ना मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो ये देखिए, ये रहा पावर बैंक। दूसरा वाला लाना था मेरे को, लेकिन वो अवेलेबल भी नहीं था, और ऑनलाइन भी देखा वहाँ पे भी आउट ऑफ स्टॉक था। तो अब मैंने यही वाला लाया, ये पॉकेट पावर बैंक है, जो इसका वो सिंपल वाला आता है ना, वो बड़ा वाला, ठीक है, वो ना इससे सस्ता ही है, ये थोड़ा सा उससे महंगा है। हाँ, आज फाइनली मैंने पावर बैंक लाया जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी। अब मैं आपको यूट्यूब पेमेंट भी दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये रही मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद 2 साल के बाद मुझे ये पेमेंट मिली है। पेमेंट ना मुझे बहुत पहले आने वाली थी, लेकिन बैंक में थोड़ा सा इशू चल रहा था, उस वजह से पेमेंट नहीं निकल रही थी, तो क्लियर हो चुका, अब कंटिन्यू आएगी। तब इस महीने में को पेमेंट आई, अगर आप सपोर्ट करोगे तो अगले महीने भी आ सकती है, ठीक है। $100 से कम पेमेंट नहीं निकलते, जब $100 हो जाते हैं ना उसके बाद पेमेंट निकलती है। तो हाँ, बहुत पहले मेरे को $100 हो चुके थे, अब जाके मेरे को पेमेंट आई क्योंकि बैंक में इशू चल रहा था। हाँ गाइस, मुझे उम्मीद है कि आज मुझे इतनी पेमेंट आई, आगे जाके आप और सपोर्ट करोगे और ज़्यादा पेमेंट आएगी मुझे, आपको पता ही है मुझे ज़्यादा सपने, इसे मुझे गरीब लोगों को देना है, अपने शो भी पूरे करने, जो मुझे अभी पैसे बच रहे हैं ना वो मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा, अपने ऊपर ही खर्च करूंगा। लेकिन क्या सीन है ना, आप लोगों ने कमेंट करके बोला था कि श्रीनगर कितना ही दिखाओगे आप, हम बोर हो चुके श्रीनगर दिखाते दिखाते, तो बाकियों के पैसों से ना मैं आपको कहीं दूर ले चलता हूँ घूमने के लिए, कुछ जगह ही दिखाएंगे आपको श्रीनगर के बगैर भी। जो पेमेंट आई है ना मेरी, मैं आपको बता दूं, इससे 4-5 गुना ज़्यादा मेरे को यहाँ से देना पड़ा। मतलब मैं कहीं घूमने जाता था, वहाँ का अगर रात को रहता था वहाँ पे होटल्स का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा या किसी का भी खर्चा वो जेब से देना पड़ता था, ये उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन आज ये मेरी पहली पेमेंट है, तो इसकी कोई कीमत नहीं है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, मतलब इस खुशी का मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। आगे जाके वो पैसे भी रिकवर हो गए जो कि मैंने खर्च किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करोगे, इस बार इतना पेमेंट आया, आगे जाके और भी पेमेंट आएगी। तो हाँ, व्लॉगिंग अगर करनी है ना, ट्रैवल ये सब जैसे मैं करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ उधर उधर, तो उसमें अपने पैसे भी डालने पड़ते हैं, ऐसे नहीं आता, मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ से भी पैसे डालने पड़ते हैं, तब जाके मेरे को ये आया, आगे जाके भी आएगा। अभी वो रिकवर नहीं हो जाते, मैंने पैसे खर्च किए हैं ना, 2 साल से मैं कंटिन्यू बिना पेमेंट के व्लॉगिंग कर रहा हूँ, अपने पैसे डाल रहा हूँ जेब में से। तो हाँ, आज 2 साल के बाद फाइनली मेरे को ये पेमेंट आ चुकी है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी पेमेंट मेरे को आई, लेकिन YouTube पॉलिसी के खिलाफ है, मतलब YouTube ने साफ साफ मना किया है कि आप अपनी पेमेंट नहीं बता सकते कि कितनी क्या आई है। मेरा ना बहुत मन कर आपको बताने के लिए, लेकिन नहीं बता सकता, मैं भी मजबूर हूँ, लेकिन मैं आपको एक अंदाज़ा बता सकता हूँ, जो कि मैंने पावर बैंक लाया है ना, आप समझो ऐसी पावर बैंक में 10 या 12 ला सकता हूँ, इतनी पेमेंट मेरे को आ चुकी है। तो इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ चुका होगा कि मेरे को कितनी पेमेंट आई है। तो दिल से थैंक यू सो मच गाइस, आपका मेरे को कभी नहीं भूलेगा, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट और प्यार किया, मैं ना इमोशनल हो रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता मतलब क्या फीलिंग हो रही है मेरे को। आप लोगों के लिए ना थैंक यू वर्ड भी कम है, इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट किया अपनी फैमिली की तरह। उम्मीद है कि आप लोग आगे जाके भी मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे, अपनी फैमिली की तरह प्यार करते रहोगे, फुल सपोर्ट करोगे अपने भाई को। तो गाइस अभी हम करते हैं पावर बैंक की अनबॉक्सिंग, ओके, देखते हैं एक पावर बैंक कैसा है। अरे भाई ये कितना छोटा है यार, ये कितना प्यारा है, ये देखो बिल्कुल ना उंगली की साइज का ये पावर बैंक, छोटा पावर बैंक है ना, मतलब इससे भी इसकी रेट थोड़ी सी महंगी है और थोड़ा सा फास्ट भी है, ठीक है, फास्ट चार्जिंग करेगा, फास्ट ही मैं चाहता था ना यार, मेरे को ना अचानक से वो चार्ज करना पड़ता है इसीलिए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसा पावर बैंक है, मेरे को तो ऊपर से बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि ये ना मतलब गायब भी होगा जेब में, इतना छोटा पावर बैंक है ये। तो यार एक सेकंड में फोन रखता हूँ साइड में। गाइस लुक एट दिस यार, ये कितना छोटा है यार, कितना प्यारा, ये तो लग ही नहीं रहा पावर बैंक है, और इतना हल्का है ना, ओ भाई ये देखो, और क्या है इसमें, इसमें कुछ लीड है, दिखाता हूँ मैं आपको यार, अभी वो नहीं है ना, मेरे को ट्राईपॉड नहीं है साथ में, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो उठाने में। ये देखिए ये लीड है, ओ भाई कितना प्यारा है यार, और हल्का ही लगेगा नहीं जेब में, तो अगर मैं वो बड़ा वाला लाता ना तो वो ना थोड़ा सा भारी लगता मेरे को जेब में, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इसको, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा ही है उससे, लेकिन अच्छा भी यही है, थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग भी करेगा और हल्का भी है। तो गाइस ये तो थी मेरी YouTube की पहली पेमेंट जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, मतलब बता नहीं सका कितनी पेमेंट आई हुई है क्योंकि YouTube पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन एक अंदाजा बताया आपको कि कितनी पेमेंट आ चुकी होगी मुझे। तो बाकी दिल से थैंक यू सो मच, आप ना खुद समझो कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्लीज गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ,
मतलब वो फैमिली होती है ना, कसम से मेरे को ना मतलब कभी फील नहीं होता कि मैं अकेले हूँ। जब भी अकेले फील करता हूँ ना तो आप लोगों के कमेंट्स ये सब पढ़ता हूँ। प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहे, मैं भी आपको अपनी फैमिली मानता हूँ, प्लीज़ आप भी मुझे अपनी फैमिली माने। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ। बहुत सारे लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो चुका, उनका दिल से थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखे, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर किए, उनका भी दिल से थैंक यू सो मच अपनी फैमिली की तरह सपोर्ट करने के लिए। तो गाइस मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना बड़ा बन गया, छोटा बना या बड़ा बना। आज ना खाली मैंने आपको यूट्यूब पेमेंट दिखाई कि उससे मैंने पावर बैंक लाया, इतनी पेमेंट ये सब आई हुई है, वही दिखाया, बाकी आज मैंने कुछ नहीं बताया। पता नहीं 5-6 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन से पहले आप तक पहुँचे। तो गाइज आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, बाय बाय। कितने वादे दिए, तेरी आदत आए रात रात, तेरी आदत आए रात रात।